समस्त जनता परमास तथा विश्व अज्ञान अंधकार को दूर करथिबा से तेजमय भगवान श्री कृष्ण को साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को भक्तिपूत प्रणाम। भारतीय आर्य संस्कृति परंपरा अनुजाई व्यास आश्रम आरंभित करथिबा श्रीमान व्यासजी महोदय परमकारुण्य का संत समाज परम वंदनीय ब्रह्म समाज भगवान का दिव्य अमृत कथा को श्रुति पथरे आस्वादन करुवा मोर सज्जन सुधीवृंद आद्य शक्ति स्वरूपिणी स्नेहमयी करुणामयी वात्सल्यमयी भक्तिमती मातृ समाज समस्त चरणारविंद ये अकिंचनर आनंद कोटी भक्तिभूत प्रणाम वृंदावन बिहारी बड़ सौभाग्य कथा आज तो पवित्र सरस्वती आविर्भाव आज धरा पृष्ठ से श्री पंचमी तिथि रूप आज भारत वर्ष रे आज हम समस्ते पालन करूँ यही अवसर रे प्रत्येक वर्ष श्री भागवत भगवान कर दिव्य पूजन उत्सव तथा भागवत भगवान सेवा बहुत सुंदर भाव में जगह अनुष्ठित होती पारंपरिक रीति रे अनेक दिन है आज भगवान जन प्रिय भक्त अच्छा वास्तव में से आज से भागवत भगवान का दिव्य पूजन उत्सव अति श्रद्धार सहित भक्ति सहित अकुंठ चित्त धन व्यय करी आज से भागवत भगवान सेवा करछन्दे
एवं अनेक दूर दूरांतर आसीथिबा संत प्रवक्ता तथा श्रोता मानंकु समस्तंकु सम्मानित करिछन्ति। ये तो होची संसार बड़ संपत्ति। देखंतु धनंच धर्मेच फलो जदाभई ज्ञानस विज्ञान मनुप्रसन्ति गृहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युर्न पश्यन्ति दुरंत विज्ञम। एक संसार क्षेत्र में समस्त धन उपार्जन करुचुं धन मायरे तो कहीं मध्य चली परिवा नहीं किंतु धन उपार्जन जो मान सत्मार्ग में धन उपार्जन करती एवं से ही सत्कर्म धन को पुणी सत्कर्म जो मैंने विनियोग करती एथिरे ही भगवान संतुष्ट होंगे गुरु वृंदावन आज्ञा। धन को कभी मध्य संचय रखिबे नहीं गोटे कूर जी पा अच्छी आज्ञा से पानी जी कहीं भी व्यवहार कले नहीं मनीष पशु पक्षी आदि जी कहीं भी व्यवहार कले नहीं निश्चित भाव से कूर पानी दूषित हो जाए। एणुक संसार क्षेत्र में तो समस्त धन संग्रह कर किंतु से सत्मार्ग धन को जी आम सत्मार्ग में विनियोग करूँ तेल धन मात्रा बढ़ी जाए बहु परिमाण में बढ़ी थाए कितु असत्मार्ग में खर्च कले ता मनीष को मत असत्मार्ग में नहीं जाए बोल वृंदावन बिहारी। आज श्रीमद भागवत आसती दशम स्कंद निरोध लीला यार पूर्व सूचना देखते मोर पूज्य गुरुदेव अवधूत बाबा बहुत सुंदर भाव में आपई सारी एवं तो समय मध्य सापेक्ष एवं केवल गोटे दृष्टान देलापर बाड़ी को विराम दे। देखते जीव जेकोसी प्रकार भगवान सान्निध्य हो आज्ञा नीति नियम कौन सी प्रकार आवश्यक ना सबुठ तो आम है गृहस्था जीव आम प्रति एत नीति नियम आवश्यक रखा संसार क्षेत्र चली हेब ना केवल एकम्र भाव ही भगवान ठीक जोड़ी देवा यार पूर्वर यही दशम स्कंदे आसवे देखु गोपांगना मान सुंदर भाव में भगवान कृष्ण किपर मन को अर्पण करोहने बहनने मथने प्रलेपने प्रंखीर खना गुरुदि दक्षिण मार्जनाद गायंती चैन मनुरुक्त धीयो सुकंड धन्य ब्रजस्त्रिय गुरुप्रम चितयान। गोपांगना माने तांकर समस्त गृहकर्म थिला तांकर स्त्री ए स्वामी थिले तांकर पुत्र थिला सांसारिक कर्म थिला गोदहन करबा थिला सेई खीर लौड़ी को पुणे मथुरा राजदंडरे विक्रय करबा थिला तांकर सेटा दैनंदिन जीवन वृत्ति थिला हेले मध्य एते कर्म रे मध्य से माने ए समस्त कर्म रे भगवान के नाम को जोड़ी दीथिले जा दोहने आज्ञा क्यों गोपी गाई दोहुची से जो गाई दुहेला समय जो क्षीर पात्र क्षीर पड़ू जो घर घर शब्द हो समय कृष्ण कथा जोड़ी से कृष्ण कृष्ण कहूला जहाँ दोहने बहने मथने क्यों गोपी खुआदंड मंथन करूला दही आगे से जो खुआदंड मंथन कला समय जो शब्द होता से कृष्ण कृष्ण कहूला एपरि भाव में कहार तात्पर्य प्रत्येक गृहकर्म जी आम भगवान कथा जोड़ी दे यार पूर्व सुंदर भाव सूचना दूसरे जे माँ मैने कहीं नीति नियम को उल्लंघन करुँचा देखु प्रत्येक कथा जदि एम कृष्ण कथा को जोड़ी देवे आज्ञा क्या तो निंदा कराए ना किए कार्तिक मास गाधला किए माघ मास गाधला विभिन्न कथा कितु संस्कार को किपर आसब तार व्यवस्था ही निहाती एणुक प्रत्येक क्षेत्र में जी आम कृष्ण कथा को पूर्ण भाव जोड़ी देवा आम जीवन आचरण आदर्श आम नीति नियम सब धीरे धीरे परिवर्तन होगा बोलू वृंदावन बिहारी लाल ये हठात परिवर्तन नेबार तो सहज नुह से देखते ये गोटे छोटिया कथा मुझे कहते क्या आक्षेप भी ना कहे बुझाए सकले ज्ञान मार्ग दत्य आपे न बुझाए ज्ञान जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।
आदर्श नीति नियम सब निश्चित भाव दिन आवल श्रीमद दशम स्कंदे गोटे सूत्र आपचे पूर्वमता मतलब बहुत सुंदर भाव बहुत दृष्टांत दे सारी एवं देखु भगवान सहित संपर्क रखा स्तव करने शाश्वत बहुत प्रकार सूचना आमको दिखती नीति दिखती सूत्र दिखती काय मन एवं वाक्य काय शरीर द्वारा मन द्वारा एवं वाक्य पाटी उच्चारण करिवार द्वारा ये तीनो मध्य भगवान को स्तव करा जाए काय द्वारा किए कर प्रथम अध्याय शुणी आपण माने उत्तरा स्तव कर भगवान को जितने गर्भ को अस्वस्थमार ब्रह्मास्त्र मारि आसुची से समय उत्तरा भगवान को स्तुति करते बिकले बेनी कर जोड़ी डाक रख न ब्रह्मास्त्र से ही समय कौन सी प्रकार साहस्य पाई पारा ना निराश जगदीश रक्ष दुई बाहू को ऊपर को टेकदेला जीव जिते बड़े निराश्रय हो जाए से ही समय भगवान को डाक थाए आज उत्तरा ठीक दुई भुज टेकदेले ऊपर को एवं भगवान को स्तुति कले एजे गन मार्गे सर आसई जेने दिवा कर ब्रह्मास्त्र मारि आसुची निश्चित भाव पांडव कुल विनाश कर हे भगवान तुम बिना अन्य कही या रक्षा करें पारे ना ये गर्भर भीत मोर जीवन ब्रह्मग्नि मारि आसुची बर मोते ध्वंस करदे ब्रह्मग्नि किंतु गर्भस्थ संतान सुरक्षा है प्रभु एक भाव उत्तर दुई बाहू तोली भगवान को डाक ये हूँ कायिक भक्ति तत्क्षणात भगवान उत्तरार स्तव संतुष्ट हो
एक सूक्ष्म शरीर धारण करी उत्तरार गर्भ को प्रवेश करी गले एवं से ब्रह्म अग्नि को से ब्रह्म बाण को से गर्भ मध्य विस्तेज करी देली जहाद्वारा कि सुंदर संतान दे जन्म हला एपरी भाव रे भगवान को स्तव करा जाए या परे आसंतु वाचिक स्तव कायिक वाचिक वाचिक माने वचन द्वारा के स्तुति कर देले भगवान को मां कुंती भगवती कुंती मां भगवान को वचन द्वारा स्तुति कर देले प्रलय जले तुरो भासो भगवान नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदना नाभिपत्र गोटे सुवर्णमय पद्मकोशर उद्भव होता एवं से पद्मे ब्रह्मां आविर्भाव होता सुंदर भाव गोटे पद्ममाला तो गोड़े धारण कर नयन दुईटी पद्मपत्र पर बहुत सुंदर एवं सुखमल पद्मपत्र पर तोर पाद दुईटी हे भगवान से पाद दुईटी पद्मपत्र पर पाद दुईटी मोर सदा सर्वदा भक्ति थाउ प्रभु एपरी भाव रे मां कुंती मध्य सुंदर भाव रे भगवान को स्तव करते हैं वाचसिक भक्ति बोला है वाचसिक भक्ति यार परे आशीर्वाद मानसिक मानसिक भक्ति एही प्रथम स्कंद रे आसंती पितामह विष्णु करि दिले जेते बेले कुरुक्षेत्र युद्ध अंतिम समय आसी जे जी पितामह विष्णु सरसज्जा रे शयन करि छंती से त तांकर इच्छा मृत्यु दिला जेते उत्तरास उत्तरायण को से सदा सर्वदा अपेक्षा करते उत्तरायण आसिले महाप्रयाण करेंगे से जितने समय ठीक आसी जाए समय भगवान श्रीकृष्ण आज भक्त को दर्शन देवाई आज जाइंट कुरुक्षेत्र प्रांगण को भीष्मदेव जो जगह सरसज्जा कर देखते भक्त भगवान के भक्ति आज युद्ध समस्ते जानी भीष्म एवं भगवान श्रीकृष्ण के विरुद्ध भाव था भगवान कृष्ण को कहते मु अस्त्र धरवि ना कि भीष्म प्रतिज्ञा करश्चित भाव में तुमको अस्त्र धरदेवि एपरी भाव युद्ध भीष्म सरप्रयोग कले रथ सारथी अश्वारी समस्त को क्षत विक्षत करदे जिते बड़े से ही समय भगवान रथ रु डे पड़े भीष्म भगवान मोर प्रति आज के कृपा कर मोर प्राण प्रयाण समय मत दर्शन दौंती ओहो भाग्य चक्र सहित चारि मोहर दृष्टि पथे प्रसन्न हेले मोर मोहि छाड़ी खोले
अग्रे प्रकाश हेउ मोर मुहि छाड़ी कले मोर प्राण प्रयाण समय बाक इंद्रिया समस्त शिथिलता बाणी में उच्चारण करवल अंतस्करण मध्य हृदय चिंता करें हे भगवान से ही भुज से ही रूप मत देख चक्र सहित चारिबाहू मोहर दृष्टिपथिर कहीं जीव जो प्राण प्रयाण समय आसे जहाँ को दृष्टिपथे देखी जहाँ देखी प्राण छाड़ी दिए तदनुसार से ही गति पाई बोल वृंदावन रखा कहीं समय सापेक्ष।